हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जिम क्रूज पे। तो दोस्तों, हम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे वीक की वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे जिसमें हम। तो आज हम हमारे पहले दिन में चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हमारे अजीज दोस्त आदित्य मलिक की हेल्प ले रहे हैं। से हेलो टू आवर यूट्यूब फैमिली। तो हम साथ में मिलके चेस्ट वर्कआउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्कआउट को। तो दोस्तों, आप पहले चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले तो हम चेस्ट को और पूरी बॉडी को एक बार वार्म अप करेंगे। तो जैसे कि हमारे दोस्त वार्म अप कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वार्म अप करेंगे पहले, हल्का हल्का पूरी बॉडी का वार्म अप करेंगे, तो जो बॉडी में ब्लड का फ्लो है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पुशअप करेंगे, अच्छी तरह से हम चेस्ट को वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है दोस्तों कि इंजरी है ना, जो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जिस मसल को हम ट्रेन करना है उसको वार्म अप अच्छी तरह से करना है। तो हम 10-10 जो रैप हैं इसके, वो 3 सेट लगाएंगे उसके, 10-10 पुशअप लगाएंगे उसके, 3 सेट पूरे करेंगे। दोस्तों जैसे कि देखो, हम जिम में पहुंच गए, तो सबसे पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे इनक्लाइन बारबेल प्रेस। देखो, सबसे पहले हमने आर्च मेंटेन करना है। बॉडी जो हमारी लोअर बैक है, टेबल से उठी होनी चाहिए। देखो जैसे कि हाथ पूरा डल रहा है इसके नीचे, तो यहाँ से उठी हुई है पूरी हमारी लोअर बैक, ठीक है। और देखो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है ऊपर जाते हैं, जब पूरा फील लेना है ऊपर जाते समय। और देखो भाई का, जैसे देखो अपर चेस्ट पूरी इन्वॉल्व हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऊपर से। ये देखो पूरा 100% मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अपर चेस्ट का यहाँ पे। तो हर एक एक्सरसाइज के हम 10 से 12 रैप करेंगे और 4 सेट करेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 10 से 12 रैप करेंगे और 4 सेट हम हर एक एक्सरसाइज के 4 सेट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस। तो इसको करने के लिए देखो, वैसे ही लोअर बैक टेबल से उठी होनी चाहिए, आर्च पूरी तरह से मेंटेन होना चाहिए, पूरा बारबेल का प्रेस मिडल चेस्ट पे आना चाहिए, पूरा फील लेना है। देखो जैसे भाई लगा रहे हैं हमारे, देखो नीचे जब बारबेल आती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और देखो जो एल्बो है हमारी, आर्म का साइज है जो, शोल्डर से थोड़ा वाइड होना चाहिए। देखो वी बननी चाहिए, देखो यहाँ पे जैसे बन रहा है, देखो ये पूरा अच्छी तरह से मसल और माइंड का जो कनेक्शन है 100% हमारा यहाँ पे होना चाहिए। वेरी गुड। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह के टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखो पोजीशन टेबल की ना ही ज्यादा नीचे होनी चाहिए और ना ही ज्यादा ऊपर, 25 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में उसको रखेंगे। तो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, वेट आप अपने हिसाब से वेट लें, ना ही ज़्यादा कम ना और ना ही ज़्यादा वेट लेना कि एक्सरसाइज की जो फॉर्म है वो बिगड़ जाए। और अच्छी तरह से एक्सरसाइज को एक्सफोलिएशन करना है हमारी बॉडी को। देखो आर्म को ऐसे जाना है धीरे से नीचे, ऊपर आते वक्त सांस को छोड़ना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऊपर जाते वक्त पूरी चेस्ट को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, इसको पूरी तरह से ऊपर स्क्वीज करो, इसको अच्छी तरह से स्क्वीज करना है ऊपर जाते समय, स्क्वीज। वेरी गुड। और जो हमारी बाजू है आर्म को, ना ही बॉडी से ज्यादा दूर लेके जाना है और ना ही ज्यादा नजदीक, ताकि जो शोल्डर पे इसका जो स्ट्रेन है ना पड़े। देखो जैसे कि ऐसे रखना है। तो हमारी अगली एक्सरसाइज दोस्तों पैक डेक फ्लाई। देखो इसको लगाने से पहले भी हमने यहाँ पे भी जो आर्च है हमारा मेंटेन करना है, हमारी जो चेस्ट की बैक साइड है वो टच होनी चाहिए टेबल से, जो लोअर बैक है टेबल से थोड़ा दूर होनी चाहिए, आर्च है जो बॉडी का मेंटेन होना चाहिए। और देखो ये ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जब मसल पूरा स्क्वीज होना चाहिए यहाँ पे, जब क्लोज आते हैं देखो मसल पूरा स्क्वीज। वेल डन।
वेल डन। मसल माइंड कनेक्शन, हमारी 100% माइंड की जो कनेक्टिविटी है मसल से होनी चाहिए, तो ही हम मसल को अच्छी तरह से ट्रेन कर पाएंगे। देखो ज़्यादा पीछे नहीं आना है, ज़्यादा पीछे आएंगे तो जो हमारा शोल्डर मसल है वो साथ में इंट्रैक्ट हो जाएगा। रैप रेंज वही 10 से 12 सेट 4 लगाने हैं हर एक एक्सरसाइज के अंदर। तो दोस्तों एक्सरसाइज के साथ साथ हमने पानी ज़रूर पीना है, जितना ज़्यादा पियोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पानी बार बार सिप सिप करके 1 से 1.5 लीटर पानी पूरी एक्सरसाइज करते समय हमने पीना ही पीना है, ज़रूरी है ये। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों केबल क्रॉस। देखो बॉडी को मशीन से ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है, बॉडी के थोड़ा करीब ही रहना है। ज़्यादा दूर जाओगे तो शोल्डर पे स्ट्रेन आएगा, इसका शोल्डर मसल जो एक्टिव हो जाएंगे। तो देखो नीचे से मसल को पूरा स्क्वीज करना है, स्क्वीज ब्रीद आउट ब्रीद इन स्क्वीज ब्रीद आउट ब्रीद इन स्क्वीज। यही देखो पूरी अच्छी तरह से जो पूरी चेस्ट है जो इन्वॉल्व हो रही है इसमें हमारी। वेरी गुड वेरी नाइस, मसल और माइंड का कनेक्शन यहाँ पे हमारा 100% होना चाहिए। तो दोस्तों हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी लगा सकते, लेकिन ये मेरी और मलिक की एक्सरसाइज फेवरेट है, हम इसको ज़रूर लगाते हैं जब चेस्ट वर्कआउट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नीचे दे के इंस्टाग्राम हैंडल पे क्लिक करो और भाई को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, यार सब्सक्राइब की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भाई ज़रूर करो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।